स्किन से रिलेटेड 10 मीनिंग, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में रिलेटेड 10 मीनिंग के बारे में। अर्थात ये मीनिंग 10+1 होगा, अर्थात इसमें 11 वर्ड के बारे में बोलूँगा मैं। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही कुछ कॉमन बॉडी से रिलेटेड, एवरी फील्ड से रिलेटेड आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला वर्ड है पिंपल। पिंपल पिंपल का मतलब होता है मुहासा, ठीक है, पिंपल एक्नी। और दूसरा वर्ड है एक्नी। एक्चुअल में इसको दूसरा वर्ड मत बोलिए, इसको एक्नी और पिंपल को सेम बोलिए, क्योंकि एक्नी और पिंपल सेम होते हैं, ठीक है। तो आपको कहीं एक्नी मिलेगा और पिंपल मिलेगा, ये वर्ड दोनों सेम होते हैं। और यहाँ पे दूसरा वर्ड है फ्रैकल्स। फ्रैकल्स का मतलब होता है झाइयाँ। झाइयाँ जैसे कि फेस में आपके काले से घेरे बन जाते हैं चिक पे, और तो इसको बोलते हैं फ्रैकल्स, ठीक है। और तीसरा वर्ड है बॉडी ऑडर। बॉडी ऑडर का मतलब होता है शरीर की गंध। और चौथा वर्ड है डार्क सर्कल। डार्क सर्कल का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी पलकों के नीचे, आई बॉल के नीचे आपके काले घेरे पड़ जाते हैं, और तो उसको बोलते हैं डार्क सर्कल, ठीक है। तो पांचवा वर्ड है यहाँ पे रैस। रैस का मतलब होता है, रैसेस भी बोलते हैं इसको, रैस का मतलब होता है लाल चकत्ते। जैसे स्किन में आपको सन सनलाइट से प्रॉब्लम होती है तो उसको बोलते हैं रैसेस या रैस, लाल चकत्ते, ठीक है। छठा वर्ड है टैन। टैन का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हैं और आपकी सनलाइट लगती है तो आपकी स्किन में थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो जो ये कलर चेंज होता है इसको ही बोलते हैं टैन, ठीक है। और यहाँ पे सातवां वर्ड है वाइट हेड्स। व्हाइट हेड्स का मतलब होता है सफ़ेद फुंसियाँ। अर्थात जैसे कि ये एक्चुअल में आपको ज़्यादातर नोज़ के पास मिलेगा। नोज़ के आप अगर पुश करेंगे या पुल करेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें छोटे छोटे डॉट्स मिलेंगे, इसको ही बोलते हैं व्हाइट हेड्स, ठीक है। ब्लैक हेड्स आठवां वर्ड है। ब्लैक हेड्स, ब्लैक हेड्स का मतलब होता है कि काले दाने। अर्थात जैसे पिंपल जब होता है, पिंपल्स को आप थोड़ा सा स्क्रैच या ट्विस्ट करते हैं तो उसके बाद वो एक परमानेंट कलर छोड़ देता है, ठीक है, वहीं पे वो कलर फिक्स हो जाता है। तो उससे जो हो जो दाग पड़ जाता है, दाग जिसको दाग भी बोलते हैं, तो उसको ब्लैक हेड्स बोला जाता है, ठीक है। और नौवां वर्ड है पफी आइज, जिसकी मतलब आंखें ऑलवेज एज ऑलमोस्ट ऐसे लगती हैं कि जैसे कि सूजी हुई, मतलब फूली हुई जो होती हैं आंखें उन्हें बोलते हैं पफी आइज, ठीक है। और यहाँ पे नौवां वर्ड है, सॉरी 10वां वर्ड है ऑयली। ऑयली स्किन। ऑयली का स्किन का मतलब ये होता है कि इस स्किन में हमेशा तेल सा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता रहता है। एक्चुअल में इसका आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जैसे कि आप शाम को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो आपके फिस स्किन में आप एक वाइट हैंकरचीफ से अगर आपको अपने फेस पे थोड़ा सा पोंछेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप अगर आपके स्किन में ऑयल निकलता है तो इसका मतलब आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है। और यहाँ पे 11वां वर्ड है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन का मतलब ये होता है कि सूखी। इसमें एक्चुअल में जो ड्राई स्किन होती है इसमें ऑयली स्किन के मुकाबले कम पिंपल्स होते हैं, या इसमें कम पिंपल्स होते हैं। तो ये थे कुछ 10 वर्ड 10+1 जो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और आपका एक लाइक और डिसलाइक हमारे लिए बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ जैसा भी आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन या कुछ रिलेटेड इससे है तो आप चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।